कांच या शीशे का टूटना अशुभ है या शुभ? कांच या शीशे के चटकने और टूटने को लेकर तमाम मान्यताएं पुराने समय से चली आ रही है। कुछ लोग इन्हें सच मानकर इनके नियमों को फॉलो करते हैं, वही कुछ लोग इस तरह की बातों को फिजूल मानते हैं। आज यहाँ आप जानेंगे कि इन मान्यताओं को लेकर धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं और हम इन सब के बारे में क्या सोचते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखा जाए तो कांच का टूटना एक सामान्य घटना है, ठीक वैसे ही जैसे असावधानी बरतने पर अन्य चीज़ें टूट जाती है। कांच भी एक वस्तु है जो टूट सकती है, लेकिन पुरानी मान्यताओं के अनुसार लोग कांच या शीशे के टूटने को अशुभ घटना मानते हैं और इसे आने वाले समय में बुरे समाचार से जोड़ते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो कांच या शीशे का टूटना अशुभ नहीं होता बल्कि शुभ होता है, लेकिन टूटे कांच को घर में रखना जरूर अशुभ हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर पड़ी कांच की कोई भी चीज़ या शीशा अगर किसी कारणवश टूट जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर पर कोई बड़ा संकट आने वाला था जिसे कांच या शीशे ने अपने ऊपर ले लिया, यानी अब मुसीबत टल चुकी है और आपका परिवार सुरक्षित हो गया है। इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो कांच या शीशे का टूटना एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए, लेकिन टूटे या चटके कांच को अपने घर में रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। अब इसके पीछे वैज्ञानिक वजह क्या है? तो हम जानते हैं कि कांच बहुत नाजुक होती है और शुरुआती समय से दूर देशों से मंगाया जाता था, तब यह बहुत महंगा हुआ करता था। इसकी उपलब्धता के लिए काफ़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी, इसे मंगाने में भी समय काफ़ी अधिक लगता था। ऐसे में कांच को लोग संभाल कर रखे और इसकी देख रेख में सावधानी बरतें, इसलिए इसके टूटने को लेकर तमाम तथ्यों को धर्म और सेहत से जोड़ दिया गया, क्योंकि धर्म को लेकर लोगों के मन में हमेशा से ही आस्था रहती है और सेहत के प्रति तब लोग काफ़ी सजग हुआ करते थे, इसलिए इन तथ्यों को विश्वास करने लगे और समय के साथ यह विश्वास और मजबूत हो गया। यह भी हो सकता है ताकि कांच टूटे कांच से किसी को चोट ना लगे, ऐसी अफवाहें फैल गई होगी। आपको बता दें इसके पीछे एक और वैज्ञानिक कारण है कि टूटे हुए शीशे पर लगातार देखने से आंखें खराब हो सकती है। तो दोस्तों ये थी वैज्ञानिक कारण, अब हम इनके बारे में क्या सोचते हैं? तो दोस्तों बस ये एक मिथ है, कोई शगुन अपशगुन नहीं होता है। कांच का टूटा हुआ सामान घर में रखोगे तो इस्तेमाल करोगे तो हाथ वाथ में ऐसे ही लग जाएगा, कटवट जाएगा, खून वून निकल जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर का खर्चा तब भी परवाह ना की हो तो गंभीर समस्या तक हो सकती है। बस इसलिए विद्वानों ने एक लाइन में इतनी लंबी रामकथा कहने के बजाय उसका नाम अपशकुन रख दिया, और इसी का नहीं लगभग सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बाद में बड़ी तकलीफ में बदल जाए उसे अपशकुन का नाम दे दिया। भगवान ना करे कि कोई कांच कहीं टूटे, डिजाइनर कांच हुआ तो भारी नुकसान होगा, साधारण कांच हुआ तो और भी काटने के आफत होंगे, और टूट ही गया तो मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि कोई बला टल गई, इस ख्याल से नुकसान होने पर दर्द कम हो जाता है। अंत में बला तो टले ना टले या पता नहीं, परंतु कांच टूटने के बाद साफ ना किया जाए तो जरूर बला आ जाएगी। आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियो को लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।